हमारे साथ सुनील राउत है। जिस तरह से आज न्यायालयीन सुनावी होगी, किस तरह से देखते हो? देखो, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। हमें आज भी कोर्ट पे पूरा विश्वास है और जो कोर्ट निर्णय देगी उसका हम आदर करेंगे। जो 11.5 लाख कल मिले हैं उसका 11.5 लाख नहीं मिले, 10 लाख रुपए का एक पैकेट ना, तो 10 लाख रुपए पैकेट जब ये लोग सब अयोध्या गए थे तब कुछ पैसा जमा किया था कॉन्ट्रीब्यूशन, उस कवर पे लिखा था अयोध्या और एकनाथ शिंदे, उसका कवर भी ईडी ने जमा कर दिया है। तो ये पैसा पार्टी का था, पक्ष का था, वो हम लोग वापस करने वाले थे, लेकिन ये सब टेंशन में रह गए। एकनाथ शिंदे जी का नाम है कवर पे, है ना, नाम है एकनाथ शिंदे का नाम है। गुना दाखिल हुआ, FIR दाखिल हुई वाकुला पुलिस, सब बोगस है। ये कट कारस्थान है जो संजय राउत को अटकाने की, ये सब चल रहा है। कौन सा कितना आज तक क्यों नहीं उन्होंने धमकी आई, आज ही 5-6 दिन में कई धमकी आ गई। इसका मीनिंग है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के कोई बोगस लोग हैं, वो सब ये मैनेज कर रहे हैं जी। संजय राउत को अटक करे, उनको अंदर डाल दे, शिवसेना का आवाज बंद कर दे, उद्धव साहब को अकेला पड़े, ये सब उनकी कट कारस्थान है। इसलिए 50 लाख ट्रांजैक्शन ऑल इज बोगस, टोटली बोगस। फ्लैट पेमेंट है उससे, फ्लैट लिया कभी लिया है? 2002 की बात है ना, ये 2002 के दो में खरे, अभी 20 साल के बाद ये लोग पूछ रहे, वो भी क्या कैश एंट्री नहीं है, चेक एंट्री है, चेक एंट्री है, और किससे लिया है? हाँ, वो देख लो, मेरा रिलेटिव से पैसा लेना कुछ बोगस काम है क्या? क्या होगा, क्या होगा, कस्टडी मांगी जाएगी, होगा वो देखा जाएगा, कोर्ट पे मेरा पूरा विश्वास है। तो आप देख सकते हैं कि यह है सुनील राउत, उन्होंने कहा कि कोर्ट में अब पेश किया जाएगा संजय राउत को, लेकिन इसमें भी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, अकेला गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे भी हम लड़ेंगे, ऐसा ही सुनील राउत का कहना है। कैमरामैन गजान बालापुर के साथ वेदांत ने, ABP News, मुंबई।